तो आज फिर आज रूमा एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कुवैत में नींबू, लहसुन, धनिया, टमाटर, मिर्ची, प्याज, आलू, मुर्गी, अंडा, इन सब चीज़ों का क्या रेट है, दाल, ये सारी चीज़ों का रेट क्या है, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, बेसिकली डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो कितनी महंगी कितनी सस्ती हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे छोटी दुकानें नहीं हैं, जिसको बकाला बोलते हैं, छोटी शॉप्स नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ मॉल्स हैं। ये थोड़ा वीआईपी एरिया है कुवैत का, तो यहाँ पे छोटी दुकानें नहीं हैं, बकाला नहीं है, तो सिर्फ मॉल्स हैं, तो यहाँ पे रेट में थोड़ा ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है। तो अभी शुरुआत करते हैं, सबसे पहले चिकन दिखाता हूँ आप लोगों को। चिकन जो है ये सादिया कंपनी का है, ब्रांडेड है, तो क्योंकि आप दूसरी कंपनी का लेंगे थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के चिकन होते हैं, जैसे कि 700 ग्राम आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप 700 ग्राम ले सकते हैं, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 1100 ग्राम, जितना आपको चाहिए, जितने ग्राम का उस हिसाब से आप ले सकते हैं। 900 ग्राम का था ये 800 ग्राम का है, 200 रुपये इंडिया का पड़ेगा जाके, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। ये है 1 kg यानी 1000 ग्राम, ये 250 रुपये का पड़ेगा, यानी पर 100 ग्राम तकरीबन 25 रुपये का फ़र्क है। ये 1100 ग्राम 275 रुपये का है, तो पर 100 ग्राम तकरीबन 25 रुपये का फ़र्क है। ये था सादिया कंपनी का चिकन। अभी मूव करते हैं चिकन से अंडे की तरफ, क्यों आप लोग भी सोचो कि पहले मुर्गी आए या पहले अंडा। इससे पहले मैं बता देता हूँ चिकन का रेट है, चिकन का रेट बताया मैंने, अब अंडे का रेट। अंडा एक दिनार 210 फिल्स कुवैत में रेट है, तो ये इंडिया बनेगा 310 रुपये 30 अंडे का रेट। अब मूव करते हैं सब्जी की तरफ, वेजिटेबल्स की तरफ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ भी, कौन सी चीज़ कितने की है। सबसे पहले दिखाता हूँ ये अदरक है, अदरक का ये रेट है जो लिखा है, और ये इंडिया में पड़ेगा 365 रुपये किलो, 365 रुपये किलो। ये लहसुन है 825 फिल्स यानी एक दिनार से भी कम, 220 रुपये किलो। ये प्याज है 330 पैसा किलो यानी 87 रुपये किलो। ये प्याज, लहसुन, अदरक हो गया। अभी आलू में आते हैं, 350 फिल्स यानी फिल्स में है, 92 रुपये 90 रुपये किलो ये आलू का रेट है कुवैत में। यहाँ पे चीज़ें मतलब इतनी हाई एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे लोग सोचते हैं ना कुवैत है तो बहुत महंगी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, जैसे ये आम का कार्टून है, अभी इसमें तकरीबन 3 से 4 किलो आम होगा, लेकिन ये काफ़ी महंगा है, ये इंडियन है, इंडिया से आया है, अल्फांसो मैंगो, और ये बॉम्बे से आया है, 4 दिनार 400 फिल्स, ये कितना हो गया 1200 रुपये का एक आम का कार्टून। अभी आते हैं केले की तरफ, केला ये 550 फिल्स यानी आधा दिनार किलो है, तकरीबन 145 रुपये किलो, यहाँ दर्जन में नहीं मिलता, किलो में मिलता है। ये मिर्ची है, ये तकरीबन 200 रुपये किलो है मिर्ची, 200-250 रुपये किलो है मिर्ची। उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, जैसे धनिया, पुदीना, ये छोटी छोटी गड्ढी रहती है, मतलब बंडल छोटे छोटे, ये 50 फिल्स के रहते हैं तकरीबन 15 से 20 रुपये के एक। ये शकरकंद है, शकरकंद भी मिलती है, देखो यहाँ पे शकरकंद भी अवेलेबल है, शकरकंद का रेट है 365 रुपये का, ये तकरीबन 2.5 किलो का कार्टून होगा। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें पैक रहती हैं, किलो के हिसाब में नहीं मिलती मॉल में, ज़्यादातर चीज़ें वो पैकेट में पैक रहती हैं, उसके बाद आप ले सकते हैं। कि जैसे 1 किलो खीरा है, इसका रेट अलग है, ये पैकेट में पैक है, अगर किलो में भी चाहिए तो अलग रहता है। ये बैंगन है, तो बैंगन का रेट क्या है कुवैत में, ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये 1 किलो होगा तकरीबन, 1 किलो बैंगन होगा 440 फिल्स यानी 116 रुपये किलो बैंगन है। ये कुवैत में रेट है, कुवैत का रेट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कुवैत की चीज़ों का रेट बता रहा हूँ। ये मिर्ची रखी है, रेड मिर्ची भी है, ग्रीन मिर्ची भी है, दोनों का अलग अलग रेट है। तो मैं धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फ्लावर है, इसका रेट काफ़ी सस्ता है, ये 2 पीस हैं एक बंडल में 60 रुपये के 2 गोभी यानी 275 फिल्स का 2 पीस। अभी मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और टमाटर दिखाता हूँ आप लोगों को, टमाटर का क्या रेट है। ये बंडल है, ये एक बॉक्स, ये टमाटर का बॉक्स 770 फिल्स का है, ये तकरीबन इसमें 3 से 4 किलो टमाटर होंगे, 204 रुपये का यानी 200 रुपये का तकरीबन 4 किलो टमाटर। तो मतलब ये कुवैत का रेट है। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आती हैं, ज़्यादातर चीज़ें दूसरे कंट्री से आती हैं। ये साबुन का रेट है, सबसे छोटा निरमा 30 रुपये का टाइड, सबसे छोटा। तो साबुन भी दिखाया मैंने, ये इंडिया गेट चावल है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादातर लोग यहाँ काम करने वाले अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसका अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। जैसे कि ये है, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है चावल, तो ये यूज़ करते हैं। अब आगे दिखाता हूँ मैं, मसाला है, मैगी है, दाल है, ये सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा अभी सब लोगों को एक एक चीज़ करके। जैसे 5 पैकेट का मैगी है, यहाँ पे मैगी को इंडोमी बोलते हैं, अलग ब्रांड है ये इंडोमी है, 490 फिल्स यानी 130 रुपये के करीब का मैगी का, 5 पैकेट एक के अंदर हैं, ये 130 रुपये का। अभी ये मिर्ची का पैकेट है, तकरीबन 100 ग्राम होगा, तो इसका रेट अलग है। जीरा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब तकरीबन 60 रुपये 80 रुपये ऐसा इनका रेट है।
60 रुपये 80 रुपये का एक पैकेट मसाले का। अभी दाल के ऊपर मूव करते हैं, दाल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एक एक करके। जैसे ये दाल है चना दाल, ये मेड इन इंडिया है, सब दाल जितनी भी है मेड इन इंडिया है। 200 रुपये किलो चना दाल, ये अभी मैं दिखाऊंगा, लिखा होगा मेड इन इंडिया, ये लिखा है ओरिजिन इन इंडिया। हर हर दाल जो है मेड इन इंडिया है। एक ये दाल है अरहर की दाल जिसको बोलते हैं, 660 फील्स, 175 रुपये किलो तकरीबन। तो मतलब इंडिया और यहाँ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें काफ़ी सस्ता है। 770 फील्स, यानी ये छोला है, छोला बोलते हैं ना जिसको, छोला मसाला बनाते हैं, छोले की सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी सेम ही रेट है तकरीबन, सारी दालों का एक ही रेट है। चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मांस की दाल, जो भी दाल आपको चाहिए, रेट 10-20 रुपये का फ़र्क है तकरीबन। सारी दालें सेम है, सारी दालों का रेट सेम है। अब मैं दिखाता हूँ तेल की तरफ, मैं सारी यूज़फुल चीज़ें बता रहा हूँ जो डेली यूज़ में आती हैं वो चीज़ें। ये तेल है, एक बॉटल में 1.8 लीटर तेल है, तकरीबन 600 रुपये के, 3.5 लीटर के करीब तेल है। ये सनफ्लावर ऑयल है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉर्न ऑयल है, यानी भुट्टा जो हम लोग बोलते हैं, भुट्टे का तेल। ये 2 दिनार 590 फुल्स का है, 650 रुपये का, ये भी सेम 3.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। और जैसे महंगा लोग हैं, जो VIP लोग हैं, वो भाई ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, थोड़ा महंगा रहता है। अभी आते हैं रोटी के ऊपर, ये रोटी है 50 फिल्स की, सिर्फ 50 फिल्स, इसमें 6 पीस रोटी है। अभी ये पतली वाली है, इसके बाजू में मोटी वाली है, और उसके ब्राउन वाली भी है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। 13 रुपये की 6 रोटी। तो आज के लिए बस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जो लोग आना चाहते हैं उनको पता चल गया हो कि कुवैत में चीज़ें कितनी महंगी या कितनी सस्ती हैं डेली यूज़ होने वाली। थैंक यू।